नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का मेगा उत्सव मनाने पर कांग्रेस ने सूबे की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन सरकारी पैसों से मनाया जा रहा है, आपदा में बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री का मेगा जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश में पहली बार किसी व्यक्ति का जन्मदिन 21 दिनों तक मनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है और 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आते तो हम भी जन्मदिन मनाते। मध्य प्रदेश जो शांति का चाकू था, वहां माफिया राज हो गया है। एमपी में 4,28,000 अपराध एक साल में हुए हैं। एमपी में आदिवासियों के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। एमपी में रोज 10 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मध्य प्रदेश में सीनियर सिटीजन के साथ एक साल में 4,000 से ज्यादा अपराध हुए हैं। साथ ही पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों को नशेड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री गांजा पीकर उठपटांग बयान देते हैं। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। तीन का बताया तो है भाई, पुड़िया बिक रही है। ये तो अंदाज आप लगाओ कि आप ही कहते हो कि सब बड़ा अनशन बयान आ रहे हैं उनके, तो ये कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं गांजे का असर होगा। खेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, चारों तरफ वो, और जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो पूरी तरह से हावी है। इसीलिए गैंगस्टर कानून सरकार लाना चाहती है ये, और ये रोक लेते 4,28,000 इस एक साल के अंदर अपराध घटे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, या आदिवासी हो, या एससी के लोग हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, 4,28,000 रोक लेते तो हम मनाते। लेकिन आज स्थिति क्या है, इस जो अभी एक रिपोर्ट आई सीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, उसमें आदिवासी पुण में जो 2020 में 2,401 अपराध आदिवासियों के खिलाफ हुए, अनुसूचित जाति के खिलाफ इस साल 2020 में 6,899 मामले दर्ज हुए। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1। मध्य प्रदेश में 2020 में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार 3,259 मामले सामने आए। हर रोज नाबालिगों से 10 रेप हो रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और शुरुआत यही से करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, हम लोग बधाई देते हैं। और कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने इनको बधाई दी है। लेकिन एक सवाल भी पूछा है उन्होंने कि आपदा में भी हर बार जश्न उत्सव मनाने वाली भाजपा, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन प्रदेश में मेगा जन्मोत्सव के रूप में 21 दिन तक मनाएंगे, और ये सब ऑफिशियल पैसा खर्च हो रहा है। जीएडी ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया, लेकिन पूरे के पूरे जितने कार्यक्रम में सरकारी पैसों से हो रहा है। ये सवाल है मेरा सरकार से। और कमलनाथ जी का कहना कि जिस प्रदेश में कोरोना से, बाढ़ से, जहरीली शराब से, कुआं धंसने की घटना से हजारों लोगों की मौत हुई, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के साथ देश भर में भी निंदनीय उत्पीड़न का दमन की कई घटनाएं हुई हैं, वहां भाजपा किस मुंह से मोदी जी का जश्न महोत्सव मना रही है? ये बहुत ही क्रूर मजाक है। इसमें मैं और ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि हम भी मनाते हैं जन्मदिन। अगर ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते, हर साल 14 करोड़ हो जाते, ये 15 लाख सबके अकाउंट में जमा कर देते। ये इनने कहा था चुनाव में 2014 के कि जो 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल जनता को देंगे और 300-350 रुपए में रसोई गैस देंगे, ये सब कर देते तो आज युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती,
और मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था वो आज वहां माफिया राज चल रहा है चारों तरफ हर तरफ। अरे जनवरी भाई जनवरी चालू कर गया था, फरवरी में तो शुरू हो गई थी ना। कमला जी हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार तो एक तरह से 19 में खत्म हो गई, 11.5 महीने की सरकार। ये बाद में तो इनके जो एक्टिविटी शुरू हो गई थी ना, लोगों को लगने लगा था इनके लोगों को कि अब हमारी सरकार आ रही, तो अपराध वहीं से शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों के खिलाफ लगातार कमला जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ती रहेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि आज का जो जन्मदिन हमारे युवक कांग्रेस ने तो कहा कि बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं वो बाहर, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह का अपराध हुए हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से लोगों की जान गई है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, बीजेपी को प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं उन पर लगभग 6,000 मुकदमे इस तरह के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए। और अगर क्राइम की और हम अगर बात करें, क्राइम की बात करें तो आज ही के उसमें लगातार आ रहा है ये कि भांडेर की चारों सड़कों की सरकारी जमीन पर इनके माफिया ने प्लाट काट कर कॉलोनी में बेच दी वहां पर, और इनके पास इसका कोई उसका कोई कार्रवाई नहीं यहां से वहां तक हो रही है। दूसरा ये यूपी एमपी के 6 जिलों से आ रहे हथियार पिस्टल 25 वो कट्टा 5,000 में बिक रहा है, व्हाट्सएप पे हो रही है बुकिंग, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे बुकिंग कर दीजिए आप। एनसीआरपी की रिपोर्ट में ये खास तौर से उभर के आया है मामला जो चिंता का विषय, किशोरों द्वारा हत्या व दुष्कर्म के मामले में इंदौर टॉप 3 शहरों में आ रहा है। मतलब ये सब जो हथियार जो सस्ते बिक रहे हैं और सरेआम बिक रहे हैं, ये इनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे अपराध हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये अपराधों का हब बन गया है मध्य प्रदेश का हर वो, और जहां भी मामले आते हैं ध्यान बटाने के कांग्रेस के लोगों पे FIR और केस दर्ज करा देते हैं कुल मिला के। और आज अभी किसी ने जानकारी दी कि आज जो समाचार पत्रों टीवी में कहीं ये अपराध की कोई घटनाएं दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है, तो अंदाज लगाया कि आज ये पूरे के पूरे बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं तो सब उसमें लग गए तो अपराध कम हो गए। कहीं भी उठा के देख लीजिए आप, देखने को मिलेगा। तो ये सब स्थिति है, ये प्रूफ है अपने आप में। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आज का दिन मनता था, हम श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन मनाते थे, पर उस समय कभी उस जमाने में कभी इतने अपराध मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हुए जो कांग्रेस की जब भी सरकार रही सब पे कंट्रोल रहा, माफिया पे कंट्रोल रहा, लेकिन आज पूरा का पूरा किसी माफिया पे कंट्रोल नहीं है और अपराधों का हब बना हुआ है, क्राइम का हब बना हुआ है मध्य प्रदेश, शांति का टापू जो कभी कहलाता था। और होने में मध्य प्रदेश नंबर 1, बच्चों के खिलाफ मध्य प्रदेश में 17,008 मामले दर्ज हुए, बाल अपराधों में देश में नंबर 1। प्रदेश में प्रतिदिन बच्चों का अपहरण दुष्कर्म और हत्या की 40 घटनाएं हो रही हैं, और कल भ्रूण हत्या के मामले में मध्यप्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। हत्या के मामले में मर्डर्स के मामले में पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे है मध्यप्रदेश। और अभी कल या उसमें जो खबरें भोपाल की आई थी, अलग अलग थानों से 1 या 2 या 3 इस तरह से महिलाएं बच्चियां गायब हुई हैं, ये समाचार पत्रों में कल के था या परसों के था, हर एक थाने से बच्चियां और महिलाएं गायब हैं। इसके अलावा कमलनाथ जी की सरकार थी जब 2019 और 1-2 महीने 2020 के, उसके बाद से 20-25% आदिवासियों पे और सब पे जो अपराध बढ़े उसके बाद ये बढ़े। दो, जैसा मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश में 4,28,046 ये अपराध एक साल 2020 में हुए हैं और सरकार रोकने में नाकामयाब रही है। अपहरण और तस्करी
मध्यप्रदेश बलात्कार के मामले में हत्या करने के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। बच्चियों से बलात्कार के मामले में मैंने पहले बताया नंबर एक, महिलाओं से बलात्कार के मामले में नंबर एक। मध्यप्रदेश 2020 में 2101 हत्या, ये पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर, जस्ट उत्तर प्रदेश के बाद। मध्यप्रदेश में 2020 में अपहरण 7320। मध्यप्रदेश में सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जो अपराध हुए हैं 2020 में 4602 सीनियर सिटीजन का मामला है। पुलिस अभिरक्षा के अंदर जब थाने में या जब उनकी वो पूछताछ होती है उस मामले में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर। ये एक बात कही थी कमलनाथ जी ने एक इंटरव्यू में कि कानून व्यवस्था कहाँ है जो ध्वस्त हो, ध्वस्त हो जब हो जब कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था ही नहीं है। ये आंकड़े हैं और ये इन सब के मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि हो क्यों रहा है, ये इतने अपराध क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संलग्न है, लिप्त हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर जबरन कार छीनने का डकैती का मुकदमा डाला गया, जबकि सीसीटीवी कैमरे फुटेज में साफ पता चलता है गाड़ी कांग्रेस नेता ने नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में दो पुलिस वालों ने अगवा की थी और गृहमंत्री जी ने उनपे एफआईआर करा दी। फुटेज है उसके बाद, प्रूफ है उसके बाद। मध्यप्रदेश में जो बीजेपी के नेता संलग्न है, जैसे मैंने पहला कहा कि खनन माफिया में इन्हीं के लोग हैं, कोविड-19 माफिया, ट्रांसफर माफिया, बाल उत्पीड़न माफिया, हर तरह के अपराध बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं। और अभी तो सचिवालय के सामने गांजा पकड़ा गया और मुझे लगता है कि वहां गांजे की पुड़िया चलती है, इसलिए तीन जो इनके नेता हैं जो अनशन अनाप शनाप बोलते हैं टीवी पे, एक वो विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये जो बोलते हैं सब वैसा लगता है कि वो गांजे की वो जो वहां जाती है मंत्रालय के सामने बिकता है तो इनके लोग ले जाते होंगे, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, झूठे मुकदमे कांग्रेस के नेताओं का। अब कमलनाथ जी ने सही मामला उठाया था जो आ रहा है, जो समाचार पत्रों टीवी पूरे प्रूफ है, हमने प्रूफ दिए कि लाखों लोगों की जान गई थी कोरोना में। भोपाल के भदभदा उसमें 118 लोगों का दाह संस्कार इंजीन हो, और उसका जब आंकड़ा लगाया, जब हमने प्रूफ दिए तो लाखों लोगों की हुई, तो कमलनाथ जी पे एफआईआर कर दी। अब जीतू पटवारी ने अभी कल ही जनता की आवाज उठाई नगर निगम के अंदर, जो हॉट टॉक्स हुई होंगी किसी कर्मचारी से, उसने कह दिया कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करना, कोई कंप्लेंट नहीं करना, तो वो मना कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब कल गए वहां पे, बीजेपी के नेताओं ने मामला उठाया और जबरन जीतू पटवारी जी पे भी एफआईआर कर दी। उधर राहुल गांधी जी ने सच बात कही, क्योंकि सच से इनको नफरत है, इनको झूठ का मुलम्मा चाहिए, बात कही तो उनके खिलाफ एफआईआर की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जमीन जो कि आरएसएस की एक संस्था को बीएचईएल के अंदर दी गई, तो जब मामला उठाया तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी। इस तरह भोपाल 16-17-18 अगस्त की रात भोपाल में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और इसमें इन्वॉल्व थे भाजपा जिलाध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष, इनकी गठबंधन सरकार है बिहार में, ये रेप में भी, गैंग रेप में भी गठबंधन है इनका। फरवरी 2021 में शहडोल में भाजपा नेता विजय त्रिपाठी को सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनको पार्टी से भी निकाला गया। 26 जून 2021 को पन्ना में भाजपा नेता सतीश मिश्रा पर, अब इसको तो बोलने में भी शर्म आती है कि अपनी
बेटी के साथ ही इनने दुष्कर्म किया, एक घरेलू हत्या की। अशोकनगर में बीजेपी नेता पर भी अपने ही परिवार की 10 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आया और 4 सितंबर को उसकी रिपोर्ट भी थाने में। एनसीआरबी की रिपोर्ट में जैसे मैंने बताया आदिवासी अत्याचार में भी नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, और हमने देखा कि 5 आदिवासियों की नेमावर में जो बच्चियों के साथ बलात्कार और जो हत्याएं हुई थी उसमें भी भाजपा नेताओं का संरक्षण था। नीमच में आदिवासी युवक को गाड़ी से खींचकर कन्हैया जो खींचा गया उसमें भी सरपंच भारतीय जनता पार्टी का था, उसके परिवार ने किया। खरगोन में पुलिस हिरासत में आदिवासी की हत्या, इसमें भी जो मामले सामने आए ये सब बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हुआ है।